हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने निकाला है गेस्ट फैकल्टी के लिए। तो उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स लिए और उन सब्जेक्ट्स में जो है वो गेस्ट फैकल्टी की जो पोजिशन है उसे निकाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको बस टाइप करना है गूगल पे बैंगलोर यूनिवर्सिटी। जैसे आप बैंगलोर यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। इस विंडो पे देख सकते हैं आप जो बैंगलोर यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bangaloreuniversity.ac.in, तो वो आपको खुल जाएगी। तो आपको बस इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो बैंगलोर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंगलोर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट ये कन्नड़ लैंग्वेज में है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे क्लिक हियर टू व्यू इन इंग्लिश पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है वो ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। तो ये ट्रांसलेशन होने के बाद अब जो आपको इंटरफेस दिखेगा वो आपको पूरा इंग्लिश में दिखेगा। अब आपको जाना क्या है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहीं पे जो नोटिफिकेशन है उसका अनाउंसमेंट किया गया है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट टू वर्क एज गेस्ट फैकल्टी इन वेरियस पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बैंगलोर, तो आपको क्या करना है, आपको बस इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो अनाउंसमेंट है ये ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है नोटिफिकेशन टू अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी इन वेरियस पीजी डिपार्टमेंट एट जन भारती कैंपस एंड यूबीसी फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। इसके बाद इन्होंने बोला है नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू वर्क एज गेस्ट फैकल्टी इन वेरियस पीजी डिपार्टमेंट्स एट जन भारती कैंपस एंड यूनिवर्सिटी डेटे 18 अगस्त। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो 18 अगस्त को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था और इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, कुछ सब्जेक्ट भी अब मेंशन कर रखे हैं कि किस सब्जेक्ट में जो है वो गेस्ट फैकल्टी की जो पोजीशन है वो निकाली गई है। तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, फॉरेंसिक साइंस, लाइफ साइंस के लिए। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या है कि जो पोजीशन है वो गेस्ट फैकल्टी की निकाली गई है बैंगलोर यूनिवर्सिटी की तरफ से। एप्लीकेशन फॉर्म टू अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी इन वेरियस डिपार्टमेंट, तो आपको क्या करना है, आपको अगर नोटिफिकेशन पढ़ना है तो जस्ट आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है वो 17 अगस्त को निकाला गया था, तो कि बैंगलोर यूनिवर्सिटी इसका जो एड्रेस है वो जन भारती बैंगलुरु 560056। तो देखिए इसका प्रेस रिलीज जो है उसमें क्या लिखा है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फुल टाइम ऑब्लिक पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी पोजीशन वेरियस पीजी डिपार्टमेंट एट बैंगलोर यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी वेस वारिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर एकेडमिक ईयर 2021। तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी में निकाला है और साथ ही साथ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर एकेडमिक ईयर 2021 में। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हुआ एलिजिबल एज पर यूजीसी और एआईसीटी क्राइटेरिया में सबमिट देयर एप्लीकेशन अलोंग विद मार्क्स कार्ड्स एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द चेयरपर्सन डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑन और बिफोर 5 सितंबर 2020। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट जो है वो मैच कर रहे हैं आप और उन सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं 5 सितंबर 2020। तो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर 2020 है। इससे पहले आपको जो भी मार्क्स कार्ड्स हैं या जो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो सेंड करना है चेयरपर्सन डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका जो लास्ट डेट 5 सितंबर 2020 तक पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने बोला डिटेल्स ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर गेस्ट फैकल्टी पोजीशन आर रिक्वायर्ड आर अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, अगर आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए तो वेबसाइट दे मेंशन कर रखी है। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन द कंसर्न डिपार्टमेंट मे बी कॉन्टेक्ट, इसके साथ ही साथ उसमें कुछ कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखे होंगे तो आप वहां पे जाके कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे तो उन कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करके भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला डेट एंड कंडक्टेड इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड लेटर। इसके बाद क्या आपको अप्लाई करना है 5 सितंबर 2020, इसके बाद जो डेट होगी इंटरव्यू की या कोई अगर एग्जाम लेते हैं तो उसका जो डेट है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये एक मेरा एक छोटा सा वीडियो था। और एक चीज और देख सकते हैं आप, अगर डिटेल्स ऑफ द डिपार्टमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर गेस्ट फैकल्टी,
ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, तो जितने सब्जेक्ट हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, इन सब में जो है गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर एलिजिबल हैं, तो आप जो है उस सब्जेक्ट के अगेंस्ट जो है आप जो गेस्ट फैकल्टी के लिए जो फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। देखिए मोस्टली जितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, सोशियोलॉजी, चाहे वो आर्ट साइड की हो, चाहे वो साइंस साइड की हो, चाहे फिजिक्स, लाइफ साइंस, स्टेटिस्टिक्स, जियोलॉजी, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में जो है इसका फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही यूबीसी के भी सब्जेक्ट है, जैसे आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग के जो भी वो है, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, तो इनके लिए भी जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर जो वैकेंसी है वो है। ठीक है, इसी के अलावा पीजी सेंटर रामनगर की हम बात करें, तो ये पीजी सेंटर रामनगर है जो कि एफिलेटेड है बैंगलोर यूनिवर्सिटी से, उसमें कन्नड़, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, मैथमेटिक, पॉलिटिकल साइंस, तो इन सब के लिए जो है वो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद इन्होंने एलिजिबिलिटी भी बोली है, कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर पीजी सेंटर रामनगर में सबमिट देयर एप्लीकेशन टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एट जन भारती कैंपस। तो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर एलिजिबल है, तो आपको जो एप्लीकेशन वो सेंड करना होगा जन भारती कैंपस के लिए। ठीक है, तो ये आपको बताया कि बैंगलोर यूनिवर्सिटी पे ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके लिए जो है वो गेस्ट फैकल्टी की पोजिशन जो है वो निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट है, तो आप अगर आप इनमें से आई होप कि मोस्टली पीपल जो है वो जो है इन सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर आप अगर दो सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबल है, जैसे लाइफ साइंस या जूलॉजी एंड इंक्लूडिंग फॉरेंसिक साइंस, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सेपरेट सेपरेट जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आप लाइफ साइंस के लिए भी एलिजिबल है और साथ ही साथ जूलॉजी के लिए भी एलिजिबल है, तो आप दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फिल करें या आप मेंशन करें अलग अलग, और उसके साथ ही जो भी आपके मार्क्स कार्ड हैं या हम बोल सकते हैं जो भी आपका जो नेट अगर क्वालिफाई है, क्योंकि इन सब सब्जेक्ट के लिए जिनमें भी नेट हो रहा है तो आपको उसमें नेट क्वालिफाई करना होगा, और नेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आपको यहाँ पे प्रिफरेंस दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप पीएचडी हैं तो और भी ज्यादा आपको प्रिफरेंस मिलेगा, अगर आपके पास नेट भी है, पीएचडी भी है, या अगर आपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए या बुक चैप्टर पब्लिश किए हैं, तो आपको यहाँ पे जरूर प्रिफरेंस मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो उन सबका प्रिंट आउट लेके, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे रिव्यू आर्टिकल, चाहे बुक चैप्टर हो, या हम कह सकते हैं कि अगर आपने पीएचडी कंप्लीट की तो उसका सर्टिफिकेट, या आपके पास नेट है तो उसका सर्टिफिकेट भी अपने मार्क्स के साथ लगाए, ताकि आपको एक का सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। तो यही मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको बताया कि बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट फैकल्टी की पोजिशन है, तो आप अगर इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।